कैसे मालूम तुमको ऐसा अरे मेरा तो गाइस देखिए लिए है सौलिया के लिए बंगड़ी माशाल्लाह के। फातिमा नाक पोछो बेटा, नाक पोछो। हाँ अच्छे से। कब से बिचारा वो पतंग उड़ाने में परेशान था, मैं उसको बोला कि फाड़ दे। अल्लाह प्रेम कितना प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है यासीन शेख ब्लॉग में। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट अभी फजर की नमाज से फारिग हुआ। सुबह सुबह की हल्की हल्की रोशनी माशाल्लाह मॉर्निंग हो गई। हम लोग आज मस्जिद में ना सिर्फ चार लोग थे, इमाम को मिला के पांच। बस फजर के टाइम यहाँ पर पांच लोग ही थे नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह हुआ। सुबह सुबह क्या प्यारी हवा आती है यहाँ पे, मस्त दिल को सुकून दिल करता है ऐसे रोड पे ना खटिया डाल के लेट जाऊंगा। 2 hours later कैसे मालूम तुमको ऐसा कैसे मालूम अब्बू पहुंच गए हैं मॉर्निंग के 9:30। मैं वहां से आया तो गाइस थोड़ा सो गया था, अभी हम लोग बैठे हैं अभी नाश्ता करने। तो गाइस हम लोग अभी बैठे हैं नाश्ता करने। आओ नाश्ता करने, अभी आओ जाओ नाश्ता करने। फातिमा नहीं करेंगे? हाँ नाश्ता नहीं करेंगे तुम? अच्छा गाइस ये छोटी सी साइकिल है, उसके ऊपर तीन जन बैठ के चला रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है मेरी वाली साइकिल एकदम संभाल के यार पंचर हो जाएगी। हाँ गाइस फातिमा को सर्दी है ना, तो कपड़ा लेके अपना नाक पोछ रही है खुद से। हाँ ऐसा पोछ बस ऐसा। अरहान बाबू को तैयार कर रहे हैं क्योंकि आज अरहान बाबू को लेके जा रहे हैं इंजेक्शन लगाने के लिए सरकारी दवा खाना। तो चलो अरहान का ममता कार्ड निकाल के दे दे, तो क्योंकि कार्ड रहेगा ना तो पता चल जाएगा कौन से महीने के इंजेक्शन लगना बाकी है, कौन सी लग गई है। देखो अरहान बाबू का है। लोना नहीं आ बेटा, ठीक है 3 महीने के इंजेक्शन। वाह हो गए तैयार। अरे माशाल्लाह हमारी लड़की तैयार हो गई। ये ममता कार्ड रख दिया जेब में। तो सालिहा देखो रेडी हो गए बुरकर का पहन के। अरहान को इंजेक्शन दिलाने के लिए बस अल्लाह उसको सबर दे। हाँ आमीन आमीन। 3 महीने की कितनी लगी मालूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद है सब खैर से होंगे। तो आज ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों का वेलकम है सवारी आसिन शेख के ब्लॉग में। रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं, रिक्शा आने वाली, रिक्शे से जाएंगे। अरे रिक्शा आ रही है। अलहन बाबू, हे अलहन बाबू, मुमानी गोद में चले गए तुम? माशाल्लाह इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का। रिक्शा आ गई भाई, चलो अम्मी बैठो अंदर जाओ, चलो बैठो। ला चलो भाई रोने वाला दिन आ गया तुम्हारा। अब इधर रोने वाला दिन आ गया। इंग्लिशन लगते अच्छी लगती। फातिमा को भी लगाने का तो, लेकिन वो 18 महीने के लगते ना यहाँ पे, इसीलिए तो फातिमा को हम लोग घर पे ही छोड़ दिए। मजे का मिलता है सफर में। देखता हूँ थोड़ी मंडी बैठी आएगी तो मस्त रहेगी। थूक निकाला देखो, थूक निकाला। रुमाल लेगा नहीं बैठ पर दवा उसका। हाँ अच्छे बैठा। तो फाइनली हम पहुंच गए सरकारी दवा खाने। कैसा मतलब? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। चलो आए चलो, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, कितनी गर्दी है यहाँ। गर्दी तो बहुत नजर आ रही है भाई यहाँ पे। चलिए आप लोगों को दिखा दो कितनी गर्दी है यहाँ। यहाँ पे खड़ी कर दिया, यहाँ पे बैठे आराम को लेके। हेलो मेरे बेटा, ज्यादा गर्दी नहीं है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी हम लोग का नंबर आ जाए। तो अरहान को लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि नानी की गोद में रुकी नहीं रहा, इसलिए मुझे लेके बैठना पड़ रहा है इसको यहाँ। है ना बेटा? है ना बेटा? सही बोला। अरहान के रोने की आवाज आई अंदर से। तो चले गए अम्मी अंदर। अब दिए
अरे मेरा बादशाह आ गया, चलो ले ले इसको। जैसे लग गए आराम को, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच हो गया ना, हो गया, इतना जल्दी हो गया। गुंजाले घर पे अभी, हम लोग सोचे थे गाइस बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आधे एक आधे घंटे में हम लोग का पूरा काम हो गया। हम 10:30 बज गए, अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे। यहाँ पे लगी सामने, तो यहाँ आए थे आटे की दुकान पे आटा लेने के लिए। भैया तो पीस के हो गया था, काफी दिन से रखा हुआ था, जाते जाते हम लोग सोचे एक साथ दो काम कर ले। चलो भाई ले लेते। आ गए ना मेरा बच्चा घर पे, आ गए ना। हाँ मेरी बेटी आ गए घर पे, आ गए। दवा पिलाने जा रहे इसको, अरे वो ये बुखार की दवा दिए हैं अलहान बाबू को, बुखार की दवा दिए हैं, बुखार की। अरे माशाल्लाह मेरी बेटी देखो कितना अच्छा बड़ा कपड़ा पहनी है गाइस। मैं बाहर बैठा था ना तो मुझे छोटू बोल दिया, छोटू है ना, छोटू बोल दिया। अरे माँ समीना से ना पता नहीं क्यों चिढ़ती है, जब भी देखेगी ना उसको तो बोलती है जा, भगाते रहती है उसको हमेशा। गाइस यहाँ पे बना रहे हैं मैगी नाश्ते के तौर पे, माशाल्लाह। तो गाइस सौलिया को मैंने बोला वजन कम करने के लिए, तो देखो माशाल्लाह सौलिया घर में टहल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फाइनली मैगी तैयार हो गई गाइस। तो गाइस देखिए लिए है सौलिया के लिए बंगड़ी, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो चलो अभी पहन रहे, तुम पहनो पहनो, तुम्हारे हाथों में कितनी अच्छी लग रही है यार ये कलर की बंगड़ी। बिया बाबा बिया बाबा, नहीं रोने का कोई नहीं। हाँ नाटक से इंजेक्शन लगा दिया पैर उसका, कि अब्बू अच्छे नहीं है ना, बहुत गंदे अब्बू है ना। हाँ बहुत गंदे अब्बू, नानी ने भी लगाना पापा, नानी बहुत जिद कर रहे थे ना। हाँ इंजेक्शन लगा के आई आप, ऐसे करते नानी, ऐसे करते सब, किसको नहीं रहने देते, किसको नहीं छोड़ते नानी, सबको लगा के आते, सबको सुई दे देते। हाँ अच्छा मेरे मुँह देख के कहीं की अच्छी आ रही, क्या दिख रहा मम्मी के चेहरे पे, क्या दिख रहा। तो गाइस हम लोग घर पे सब लोग लेटे हुए थे, तो इतने में शाहरुख भाई का फोन आया, पूछे भाई किधर पे, वाला भाई घर में आराम कर रहे हैं। तो देखिए शाहरुख भाई आए हैं सुबह से अभी मिलने के लिए, क्या बोलते शाहरुख भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, भाई शाहरुख भाई फुल मजे ले रहे हैं माशाल्लाह। 5 तारीख को शादी थी ना, तो शाहरुख भाई कल से ही जुट गए शादी में, शादी का मतलब सब करने के लिए। हाँ शाहरुख भाई, अब दोस्त की शादी है तो करना तो पड़ेगा ही। हाँ ये बात तो सही है भाई, अब अपन उनकी शादी में करेंगे तो वही अपने शादी में करेंगे। माशाल्लाह तुम्हारी शादी कब है शाहरुख भाई? ये अपने शादी का तो पता नहीं। हाँ फिर कर लो भाई जल्दी जल्दी शादी। देखिए यहाँ पे गाइस हम लोग ना ऐसे पत्रे पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इधर से सामने से आते पत्रा दिखते है ना, तो इधर ही बैठे हैं बस। क्या बैठने की जगह, बैठक बढ़ा लेना चाहिए भाई यहाँ पे। हाँ शाहरुख भाई, अरे यहाँ पर पहले नाना रहते थे ना, यहाँ पर ऐसा जबरदस्त रहता था। हाँ। कोई बात का टेंशन नहीं था। हाँ। जब से नाना कुछ कर गए ना दुनिया से। हाँ। जब से यहाँ पर पूरा भंगार हो गया। अल्लाह मजाक किया था मैं, मत फाड़। एक बच्चे को मैंने मजाक से बोला था कि नहीं उठे तो फाड़ दे, तो सही में फाड़ दिया इसने। अबे फाड़ दिया फाड़ दिया। अरे माँ मेरी, मेरी बात इतना मानता है। कब से बिचारा वो पतंग उड़ाने में परेशान था, मैं उसको बोला कि फाड़ दे, तो देखो गाइस फाड़ के चले गए घर पे। हाँ भाई शर्मा वरदार लड़का था, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो गाइस हम लोग का नाश्ता का टाइम हो गया, हम लोग बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। इधर बेटी क्या करने गई यार, ये देखो जरा, देखो इसको। आपा जान कहाँ भटक रहे हो, आपा जान कहाँ भटक रहे हो, आपा जान चलो आओ अंदर। फातिमा बोलो सबको आपा जान, आपा जान अस्सलाम वालेकुम। फातिमा नाक पोछो बेटा, नाक पोछो। हाँ अच्छे से ना, अच्छे से पोछो, अच्छे से, सेम एक भी नहीं दिखना चाहिए सेम। आप पोछो मेरी पोछनी करूंगी। अभी हो गया मगरिब की नमाज का टाइम। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट अभी मगरिब की नमाज से फारिग हुए, और अभी हम लोग जा रहे हैं शाहरुख भाई के घर पे पर्स लाने के लिए, क्योंकि भाई पर्स भूल कर आ गए।
और कैसा हम लोग यहीं से जाने का सोचे थे सेल में, क्योंकि वहाँ मतलब झाड़ जो बाउंड्री बनी है घर पे, तो उसके आजू बाजू बाउंड्री पे ना झाड़ रखना था, तो पॉट नहीं था। तो शाहरुख भाई बोले यहाँ पर मिल जाएगा ना सेल में पॉट, मिलेगा ना प्लास्टिक का, हाँ तो वही लाने जाने का। तो इंशाल्लाह चलो वहीं चलते हैं और देखते हैं क्या क्या नया सामान, क्योंकि यहाँ का सेल तो मुझे मालूम नहीं कैसा है। हम लोग वहाँ का तो जो सेल लगा है 20-20 रुपए सेल, आप लोगों को पता ही है वहाँ पर सब चीज़ मिल जाती है सस्ती में, थोड़ी महंगी भी चीज़ मिलती है अच्छी चीज़ लेंगे तो, लेकिन यहाँ का सेल के बारे में पता नहीं है, तो इस वजह से शाहरुख भाई को लेके जा रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, देखिए कितना प्यारा बादल लग रहा है और ऊपर से लाल पट्टी भी है। हक भाई एक नंबर, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखे गाइस। पैदल जाने का सोचा था लेकिन नाके तलक मशाल हम लोग रिक्शा मिल गई है, तो हम लोग नाके पे उतर गए। चलिए भाई यहाँ से पैदल पैदल चलते हैं। तो देखिए गाइस हम लोग आ गए हैं सिटी सेल, यहाँ का कुछ तो मालूम है नहीं, लेकिन फिर भी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है मार्केट में सामान। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अंदर और देखिए यहाँ पर क्या क्या सामान है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब फ्रेम वगैरह सब है यहाँ पर, देखो बच्चों को खिलौने और यहाँ पे कप वगैरह सब रखा हुआ है, क्या बोलते हैं। माशाल्लाह वहाँ पे पूरे घड़ी का सेट रखा हुआ है। चले जो सामान लेने आए थे यहाँ पर झाड़ रखने का पॉट वो देखते हैं। और भाई देखो बोले ऊपर है तो यहीं पर है। शाहरुख भाई हाँ जरा खाए बताओ। अरे हाँ ऊपर तो रखा हुआ है माशाल्लाह बहुत सारा, तो यहाँ से देखते हैं और निकालते हैं। देखो 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 सामने रखा हुआ फ्लावर बोर्ड, ये चाहिए ना। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये तीन ले लिए हमने। माशाल्लाह फ्रेम कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज देखी है। माशाल्लाह देखे यहाँ पे पूरा फ्रेम है और इस सब फ्रेम पे पूरा प्राइस लिखा हुआ है कि कितने कितने का है। ये 250 रुपए का है, 260 का है, वो 350 का है, वो 430 का है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अपना सामान तो जो लेना था अपन ले लिए और अभी चलते हैं। अरे भाई एकदम दीवाना हो गया मैं। शाहरुख भाई क्या अच्छे अच्छे सामान रखे यार सही में। इंशाल्लाह अगली बार आऊंगा ना गाइस तो बहुत ज्यादा शॉपिंग करूंगा यहाँ से इंशाल्लाह। चलिए अपन ये तो अभी छोटे सेल में आए थे पर बड़े सेल में गए ना तो ऐसे भी बोले। अच्छा मतलब ये छोटा है क्या, ऐसे बड़ा भी है? अरे बड़ा वाला बाजार में नहीं सामान गाइस देखा ना मैंने एक नंबर, दिल इतना खुश हो गया, बोला माशाल्लाह क्या एक से एक सामान रखे हो यार, फ्रेम व्रेम सब कुछ ए टू जेड। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं हम लोग नूडल्स की दुकान पे नूडल्स लेने के। वहाँ मेरी नसीब में नहीं है भाई नूडल्स की दुकान ही बंद है। अल्लाह हो अकबर। अब कहाँ मिलेगा भैया, चलते उधर। तो गाइस हम लोग देखो अभी यहाँ पे आए हैं जलेबी लेने के लिए और ईगल दरबार है। ईगल क्या है, हाँ ईगल दरबार सही बोला ना मैंने, तो वहाँ से नूडल्स लेने का हम लोगों, क्योंकि वो दुकान तो बंद है इसलिए यहाँ से लेने। ये भी ले रहे हैं ना ये बुरहानपुर स्पेलिश के जिले। माशाल्लाह बोर्ड नहीं लगाया, बोर्ड नहीं लगाया, ये जो नाम लिखा है ना बुरहानपुर। हाँ हाँ ये तो भैया माशाल्लाह, और देखने में भी कितनी मस्त लग रही थी ना एकदम, खाने में तो इतना लगता है दीवाने दीवाने हो जाएंगे माशाल्लाह। देखिए यहाँ पे मैंने नूडल्स ऑर्डर दे दिया हूँ फुल का, और यहाँ पर देखिए हमारे भाई वहाँ पे माशाल्लाह बैठे हैं, क्या बोलते हैं भाई समझे में, सब मेरी वीडियो देखते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा। यहाँ से हम लोग ने ले लिया गाइस और चलिए भाई अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना इसी प्यार से बड़ बड़े। चले अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं अभी यहाँ से घर पे। ओ शाहरुख भाई अपने लिए तो लिए नहीं है। हाँ तो वो अलग ले ली हम लोग ने घर के लिए और ये हम लोग इधर पे बैठ के टाइम पास। तो गाइस नूडल्स और क्या बोलते हैं अपना जलेबी वगैरह सब घर पे दे दिया हमें और शाहरुख भाई मैं और यहाँ पे आके बैठे हैं खाने के लिए यहाँ पे फटाफट। ईशा की नमाज का टाइम हो गया तो फटाफट खा के निकलते हैं क्योंकि ईशा की जमात भी अभी 9 बजे खड़ी हो जाएगी माशाल्लाह। अरे क्या हो गया, काहे इतना चिल्ला रहे हो बे, काहे चिल्ला रहे हो? तो गाइस चलो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे अभी नूडल्स खाने के लिए और देखिए पॉट कैसा चलो एक नंबर है ना माशाल्लाह। बाउंड्री पे रखना झाड़ तीन दिन वो भी मस्त रहेगा, वो जो बाथरूम के ऊपर है ना वही निकाल के इधर पे रख देना मस्त है वो बाथरूम। तो गाइस हम लोग बैठे हैं यहाँ पे नूडल्स एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी आइए खाने के लिए और जलेबी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो जस्ट अभी हम लोग ईशा की नमाज से फारिग हुए और चलते देखते अभी खाना ना खाने का टाइम भी हो गया। और गाइस आज हम खाना खाने के बाद जाने वाले हैं कॉफी पीने के लिए और यासीन भाई को आना पड़ेगा है, अभी तो डील ही नहीं हुई अपनी कुछ भी।
डील नहीं हुई तो डील करना जरूरी थोड़ी है। अच्छा ऐसा है क्या? सब मुड़े के ऊपर होता है ना। हाँ ये बात तो है। डील करना देखे जाएगा, अगर डील देखेंगे हम तो फिर चलने के लिए डील करना पड़ेगा फिर। हाँ माशा अल्लाह, रास्ते से चलू के नहीं चलू ये बात तो हक के बोले। तो चलिए इंशाल्लाह खाना खाने के बाद चलते हैं, ठीक है भाई? जाएंगे कॉफी वगैरह पियेंगे इंशाल्लाह। और देखिए सामने हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स लोग जा रहे हैं। हमारा खाना खाके हो गया गाइस, जैसे कि शाहरुख भाई ने बोले थे, तो हम लोग आ चुके हैं कॉफी की दुकान पे चाय कॉफी पीने के लिए। क्या बोलते भाई, सब मजे में? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आ गई हमारी गर्मा गर्म कॉफी, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस कॉफी पी के आ गए हैं। तो आज का मेरा डेली रूटीन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। जो अच्छा कमेंट करते हैं उन लोगों को बहुत सारा प्यार, और जो बुरा कमेंट करते हैं अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनको तौफीक अता फरमाए अच्छे कमेंट करने की, क्योंकि जो इंसान जैसा रहता है वो वैसे ही सोच के वैसे ही कमेंट करता है। तो अल्लाह पाक नेक तौफीक दे। तो बस वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मैं उड़ाऊँ जी, चलो मैं आता हूँ। इन लोगों को देखो बच्चे लोग।